वेलकम अगेन एडीसीए की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग एंड फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स के बारे में। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलते हैं एंड वहाँ पे अब बारी आ जाती है C++ एंड फोटोशॉप जैसे कोर्सेज की। तो हम सबको पता ही है कि जो C++ कोर्स है एंड जो फोटोशॉप कोर्स है वो बहुत बड़ा है, उसे हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक सेपरेट कोर्स वहाँ पे बना रहे हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है उस कोर्स को देखने के लिए, बेसिकली वो कोर्स भी हमारा ADCA का ही पार्ट है, तो वहाँ से आपको उस कोर्स को पूरा देखना है तभी आपका ADCA वहाँ पे कम्प्लीट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं C++ प्रोग्रामिंग कोर्स देखने के लिए। तो सिंपली आपको आ जाना है हमारे प्लेलिस्ट में। अभी बेसिकली C++ नया चल रहा है तो इसलिए आपको टॉप पे दिख जाएगा, बट अगर यहाँ पे आपको टॉप क्रिएटेड प्लेलिस्ट में आपको C++ नहीं दिखता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्री कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। फ्री कोर्सेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पे जितने भी फ्री कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें आपको मिल जाएगा C++ प्रोग्रामिंग एंड फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। तो जैसे कि आपको मैंने बताया C++ एंड फोटोशॉप बहुत बड़े कोर्स हैं जिसे एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि हमारे ये जो कोर्स है उसे अलग से चालू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोर्स हमने चालू किया है, सिंपली प्ले सॉरी व्यू फुल प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहाँ से हमारा C++ देखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फोटोशॉप ट्यूटोरियल भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अब क्या बताने वाले हैं, तो कोर्स आपको पता चल गया C++ एंड फोटोशॉप कहाँ पे आपको देखने हैं। तो अब इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से इस वीडियो को प्रेजेंट कर देते हैं कि फोटोशॉप का मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आखिर फोटोशॉप में आता क्या क्या है, फोटोशॉप के कौन कौन से टूल होते हैं। तो जो भी फोटोशॉप के लिए न्यू है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फोटोशॉप ओपन किया है, तो वहां पे उसके सभी डाउट मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम बेसिक ऑफ फोटोशॉप। तो चलिए यहाँ पे जब भी हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमको देखने के लिए मिल जाता है जब भी हम फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें होम मिल जाता है, नीचे हमें मिल जाता है क्रिएट न्यू एंड उसके नीचे मिल जाता है ओपन। एंड कोई भी हमारी रिसेंट फाइल होती है, जैसे हमने एक से ज्यादा बार फोटोशॉप को हमने यूज किया है, बहुत बार यूज किया, तो हमने लास्ट जो फाइल एडिट की होती है वो हमें इधर देखने के लिए मिल जाती है इस सेक्शन में, जहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पोर्शन में बेसिकली आपको रिसेंट फाइल देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू, ओपन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अगर रिसेंट फाइल भी होती है तो भी आप इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कोई भी इमेज को, तो वो इमेज फोटोशॉप में ओपन हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे अगर आपको कोई भी फाइल इंसर्ट करनी हो तो आप सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आपकी फाइल जहां भी लोकेटेड है उस फाइल को वहां से सिलेक्ट करके आप वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं, अगर किसी पिक्चर में आपको एडिट करना हो। अगर अपना खुद का कस्टम आपको कुछ बनाना है तो आप यहां पे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्रिएट न्यू के ऊपर हम यहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमसे पूछा जाता है फाइल का साइज, कौन से साइज की फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे जैसे रिसेंट सेक्शन, इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाता है कि लास्ट टाइम जो जो साइज के हमने फाइल क्रिएट की थी वो सब साइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे सेव, जो जो हम वहाँ पे फाइल सेव करते हैं उसके भी यहाँ पे आपको साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, हम किसी किसी फाइल के साइज भी सेव करके रख लेते हैं जो मेरी रूटीन में होती है। फॉर एग्जाम्पल A4 साइज मेरे रूटीन में होता है तो मैंने उनका यहाँ पे साइज सेव कर दिया। प्रीपिक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी जो भी आर्ट में क्रिएट करता हूँ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, वो वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ यूजर्स के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने उसका साइज भी यहाँ पे इंसर्ट करके रख दिया है। लैपटॉप स्क्रीन का भी साइज मैंने इंसर्ट किया है, लोगो डिजाइनिंग का भी साइज मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि सपोज मुझे A4 साइज चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज आ जाता है मेरे पास ऑटोमेटिकली। मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि A4 साइज पेपर का साइज कितना होता है, उसकी विड्थ कितनी होती है, उसकी हाइट कितनी होती है। ओके, तो यहाँ पे आप वो साइज सेव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्री सेव साइज आपको फोटोशॉप देता ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोटोज, तो नॉर्मली आप मार्केट में जाते हैं तो 7x5 इंच की, 3x2 इंच की, 6x4 इंच की, 7x5 इंच की फोटोज आपको वहाँ पे प्रिंट करनी पड़ती है। तो उसको अगर आपको एडिट करना है तो
उसकी प्री साइज यहाँ पे फोटोशॉप ऑलरेडी आपको सेव देता ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंटिंग की। तो कोई भी चीज़ हमको प्रिंट करनी होती है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर हो, तो उसका एक लीगल साइज होता है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लेटर साइज, लेटर पेज साइज हो गया, यहाँ पे लीगल पेज साइज हो गया, टेब्रॉइड हो गया, A4 साइज हो गया, A6 हो गया, A5 हो गया, A3 हो गया, B5 हो गया, यहाँ पे उन सभी साइज भी सेव है, तो जो भी प्रिंटिंग वाले हैं। और उसके बाद आ जाता है आर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पिक्सल ग्रीड है, जितने भी आर्ट के साइज होते हैं वो यहाँ पे सेव हैं। तो कोई भी आपको आर्ट या इलस्ट्रेटेड डिजाइन करना हो तो इस प्रेजेंट साइज में से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट, वेबसाइट के लिए आपको कोई पेज डिजाइन करना हो, बहुत सारे लोग हैं फोटोशॉप में डिजाइनिंग करते हैं पेज को, तो उसके लिए भी यहाँ पे बेटर ऑप्शन है, उसके भी यहाँ पे साइज आपको गिवन है। तो जिस साइज का आपको पेज डिजाइन करना है तो वहाँ पे आप साइज को सिलेक्ट कर लीजिए एंड स्टार्ट कर दीजिए उसमें वर्क करना। उसके बाद आ जाता है मोबाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग मोबाइल के यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। मोबाइल के वॉलपेपर आपको डिजाइन करने हो, उसका बैकग्राउंड आपको डिजाइन करना हो, या मोबाइल का यूआई यूएक्स आपको डिजाइन करना हो, तो वो सब भी आप यहाँ पे फोटोशॉप में कर सकते हैं। सबके साइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लास्ट ऑप्शन आ जाता है फिल्म एंड वीडियो, तो इनके भी साइज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सपोज यहाँ पे फिल्म है, फुल एचडी फिल्म है, तो 1920x1080 पिक्सल होते हैं, जिसका होता है 72 पिक्सल पर इंच। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच, ओके। तो चलिए यहाँ पे अब हम एक कस्टम साइज करते हैं, एंड आपको बताता हूँ कि किस तरह से फर्स्ट टाइम हमने फोटोशॉप ओपन किया है तो कैसे आप अपना कस्टम साइज यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे सेव करना है 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का साइज, ओके। उसका रिजोल्यूशन मुझे रखना है, पिक्सल पर इंच मुझे रखना है 300, ओके। एंड RGB 8 बिट, इन सबको मैं चेंज अभी नहीं कर रहा, सिंपली मैं इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड इसका मैं नाम रख दूंगा, अच्छा सा कुछ भी मुझे नाम रखना हो। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 100px, ठीक है। तो 100px में मेरा साइज सेव हो चुका है, 1000px मैंने नाम रखा है, एंड 1000 मेरा विड्थ हो चुका है, 1000 की हाइट हो चुकी है, रिजोल्यूशन हो चुका है 300, ओके, 300 पिक्सल पर इंच। अब यहाँ पे पिक्सल हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, सबसे पहले वो आपको बता देता हूँ। साइज का तो पता है आपको, जिस साइज का चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको बैनर बनाना है तो किस साइज का बैनर बनाना है वो साइज आपको यहाँ पे डाल देनी है। अगर वो पिक्सल में है कोई भी साइज, तो पिक्सल में, इंच में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट में, या पिकास में, यहाँ पे अलग अलग आपको वो फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाते हैं, यूनिट देखने के लिए मिल जाती है। तो जिस यूनिट में आप बनाना चाहते हैं उसको वहां पे सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे उसका साइज डाल दीजिए, ठीक है। तो साइज तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से क्या सिलेक्ट करना है, लेकिन रिजोल्यूशन किस तरह से सिलेक्ट करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। रिजोल्यूशन 72 से 300 के बीच में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब किस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, नॉर्मल फोटोज की बात कर रहा हूँ मैं, आप और ज्यादा रिजोल्यूशन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर नॉर्मल जो कॉमन यूसेज वाले रिजोल्यूशन होते हैं वो 72 to 300 पिक्सल पर इंच के होते हैं। तो रिजोल्यूशन को हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपके लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। जितनी बड़ी पिक्चर हम बनाते हैं या फिर जितना बड़ा हम डिजाइन करते हैं उतना हमको रिजोल्यूशन वहाँ पे कम रखना है, ठीक है, और जितने हम छोटा करते हैं उसमें रिजोल्यूशन ज्यादा रखना है, ओके। तो रिजोल्यूशन का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं डिटेलिंग। अगर कोई छोटी साइज की पिक्चर है, फॉर एग्जाम्पल 5x4 की कोई पिक्चर है, तो रिजोल्यूशन मैं उसमें रखूंगा 300, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसे प्रिंट करूंगा तो 300 रिजोल्यूशन होगा, तो मुझे अच्छा डिटेलिंग मिलेगा, ओके। और उसी टाइप से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 10 फीट बाय 20 फीट का कोई बैनर है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फिट की, पहले मैंने बात की 5x4 इंच की, अब बात कर रहा हूँ मैं फिट की। तो अगर मेरे पास 20x10 फीट का कोई बैनर है तो उसमें रिजोल्यूशन सिंपली मैं 150 तक रख सकता हूँ, वो चलेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि 20x10 फिट है तो डेफिनेटली वो किसी बड़ी जगह पे दूर लगाने वाले हैं उसको, तो दूर से हम डिस्टेंस से कोई चीज देखेंगे तो वहां पे मुझे पिक्सल उसके ऑलरेडी अच्छे ही दिखेंगे। पास जाके मैं देखूंगा तो आप देख सकते हैं वहां पे उसके थोड़े से पिक्सल फटने लगेंगे, कलर है थोड़ा मिसमैच हो रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन जो बड़ा हम डिजाइन करते हैं उसे डेफिनेटली हमें किसी दूर जगह पे या किसी ऊंची जगह पे ही लगाना होता है, तो वहां पे हम रिजोल्यूशन का कम रख सकते हैं। अगर आप उसे भी 300 में बनाना चाहते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उसे भी बना सकते हैं, डिटेलिंग आपको मिलेगी। पर 300 पिक्सल पर इंच रखने से क्या होता है, आपकी जो फाइल की साइज होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो प्रिंटिंग के टाइम पे वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन किस तरह से डिसाइड करना है, मतलब PPI।
सिंपली मैंने सेव कर दिया है उसको, ये रही मेरी फाइल, क्लिक करूंगा उसके सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे डाल देना है जो भी मुझे फाइल का नाम रखना है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रख देता हूँ सैम्पल फाइल। ओके, उसके बाद मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो जैसे ही मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम फोटोशॉप यूजर, यहाँ पे फोटोशॉप हमने ओपन कर लिया है, बेसिक हमने सिखा दिया है कि फोटोशॉप में क्या होता है, उसका जो इंटरफेस होता है जब फर्स्ट टाइम आप चालू करते हैं तो कैसा होता है, वो सब आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप फोटोशॉप की फाइल ओपन करते ही मुझे कर लेना है उस फाइल को सेव एस। ठीक है, तो मैं उस फाइल को सेव कर रहा हूँ अभी अपने डेस्कटॉप पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो रही है सैंपल फाइल। नाम चेंज करना चाहता हूँ, नाम चेंज कर सकता हूँ। ये फाइल का टाइप जो आपको रखना है वो रखना है फोटोशॉप। ओके, यहाँ पे ये रहा फोटोशॉप, आपको फाइल का टाइप रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बना दी है फोटो बना दी, उसे आपको जेपैक में चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे जेपैक सिलेक्ट कर लीजिए, उसको जेपैक में एक्सपोर्ट कर लीजिए। ओके, लेकिन हमें मेन फाइल हमेशा फोटोशॉप फॉर्मेट में ही सेव करनी होती है। उसके बाद एक्सपोर्ट में हम अलग अलग फॉर्मेट में कर दें वो नेवर माइंड, वो आप कर सकते हैं, बट जो हमारी मेन फाइल है उसे हमेशा फोटोशॉप फॉर्मेट में ही वहां पे सेव करने का। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो चुकी है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है फाइल को सेव करना। सेकेंड स्टेप, हम कुछ भी चीज यहाँ पे डालते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं या कोई भी चीज एडिट करते हैं, तो उसके बाद में हमें फाइल को रेगुलर सेव करते रहना है, ताकि कभी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाए, किसी वजह से फोटोशॉप क्लोज हो जाए, तो हमारे पास वो डेटा बचा रहे। अगर हमने फाइल ही सेव नहीं की होगी तो वो डेटा कहीं पे सेव नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप इज सेव योर फाइल। ओके, तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो सबसे पहले हमने फोटोशॉप ओपन किया, अब यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस अब इसे भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको कमांड मिल जाता है वो मिल जाता है मूव का कमांड। किसी भी फाइल को आपको मूव करना हो तो सिंपली यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी मुझे कोई एक पिक्चर इंसर्ट करनी है हमारे इस लेयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे कह सकता हूँ ये एक मेरी लेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लेयर का नाम है बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो पिक्चर में किस तरह से इंसर्ट कर सकता हूँ, सिंपली पिक्चर को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, या तो मेरे पास इधर फाइल का ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन में मैं सिंपली इसे ओपन कर सकता हूँ, कोई भी पिक्चर मुझे जो भी इंसर्ट इसमें करनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हमारा जो न्यू लोगो है केबीटेक इंडिया का, उसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे न्यू टैब में ये चीज ओपन हो चुकी है। तो मुझे इसे सिंपली कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो जैसे पेस्ट किया, अब मेरा ये आता है मूव कमांड काम में। अब देख सकते हैं यहाँ पे मूव कमांड मेरा सिलेक्टेड है, मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे मेरा लोगो मूव हो रहा है, लेकिन लोगो का जो साइज है वो 1000 बाय 1000 पिक्सल से बहुत बड़ा है, इसलिए वो इसके अंदर फिट नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इससे मैं अपना जो भी पिक्चर है उसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर को मैं छोटा कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चलिए मैं इसे पहले थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इस पिक्चर को, चलिए यहाँ पे छोटा तो कर ही दिया है, ये पिक्चर छोटी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर हमने इस पिक्चर को रखा है, पिक्चर जो हमारा लेयर है वो आ जाता है लेयर 1। ओके, तो यहाँ पे फोटोशॉप में आप एक एक लेयर अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइज सेट होने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं टिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा कि हाँ ये मेरा प्रॉपर साइज सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरी पिक्चर आ चुकी है। अब यहाँ पे मूव टूल हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रखते हैं यहाँ पे आपको एजिस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो साइज ऊपर नीचे छोटा बड़ा करने के लिए मैं एजिस का इस्तेमाल करूंगा, इधर से बड़ा करना है, इधर से बड़ा करना है। ओके, ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा साइज छोटा बड़ा करने के लिए। बट अगर मैं यहीं पे अपने कीबोर्ड में से ऑल्ट की प्रेस करके इस एज पे से साइज को छोटा करता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये वाले एज से भी साइज छोटा होगा। ओके, मतलब हमारा जो सेंटर है, सेंटर से हमारा साइज ऑटोमेटिकली छोटा होगा अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करके किसी एक एज पे से साइज को छोटा या बड़ा करता हूँ। ओके, सेम इसी तरह से मैं यहाँ से इसे छोटा बड़ा करूंगा तो भी वही चीज परफॉर्म होगी, यहाँ से मैं इसे छोटा बड़ा करूंगा तो भी वही चीज परफॉर्म होगी, क्योंकि मैंने अभी ऑल्ट की प्रेस करके रखी है। ठीक है,
उसी तरह से अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके रखता हूं तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल की सिर्फ एक पॉइंट को वहां पे चेंज करती है। मतलब मेरे को अगर पिक्चर का एंगल चेंज करना हो तो मैं सिंपली कंट्रोल की प्रेस करके रखूंगा, उसके बाद मैं पिक्चर का एंगल चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ, एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा टेक्स्ट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल की मदद से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसे हम कर देते हैं अनचेंज। ओके, तो यहाँ पे अनचेंज हो गया। अब ये लोगो हमने रख दिया है, तो चलिए लोगो को थोड़ा सा हमने ऑल्ट की प्रेस करके रखी है एंड लोगो को हमने छोटा कर दिया है। ओके, ये लोगो हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको पता चला हो कि लोगो हम कैसे चेंज कर सॉरी ये हमारा मूव कमांड किस तरह से वर्क करता है, कैसे हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और साइज इसका बड़ा कर देते हैं, इसे थोड़ा सेंटर में ला देते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे मूव कमांड की। सेकंड आ जाता है हमारा सिलेक्ट कमांड। तो इसे हम कहते हैं सिलेक्ट कमांड एंड ये सिलेक्ट करेगा हमारा रेक्टेंगुलर शेप में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो मैं रेक्टेंगल शेप में कोई भी चीज सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे किस चीज में सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे इस पिक्चर में सिलेक्ट करना है तो सिंपली मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे हमारा लेयर वन है, लेयर वन में हमने पिक्चर लगाई है तो हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। मुझे इसमें से कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो सिंपली मैं सिलेक्ट कमांड यूज करूंगा। इधर से मैंने अपनी लेयर सिलेक्ट कर ली, कौन से लेयर में। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करना है, सी यू एट कंप्यूटर, पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब सिंपली आप देख सकते हैं जैसे सिलेक्शन है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इसे डायरेक्टली मूव कर सकता हूँ। ओके, सिंपली मैं इधर मूव कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ कि इधर नहीं थोड़ा सा ऊपर था तो मैं ऊपर मूव कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप बीच में क्लिक करके मूव कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है मुझे सी यू एट कंप्यूटर को मूव करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा मूव कमांड काम आएगा। तो सिंपली मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मूव के ऊपर मैं आया, देन मैं इस पोर्शन को अब मूव कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा सी यू एट कंप्यूटर मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मूव करके मैंने उसे यहाँ पे रख दिया, या मैं कहीं और रखना चाहता हूँ तो मैं उसे कहीं और भी रख सकता हूँ। जहां मैं उसे रखना चाहता हूँ, प्लेस करना चाहता हूँ, वहां मैं उसे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक, मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद सिंपली मैंने मूव कमांड को वापस सिलेक्ट किया एंड मूव कमांड से मैं इसे अब मूव कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए वापस आ जाते हैं सिलेक्ट कमांड पे। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बेस में हमने सिलेक्ट कर लिया, इसी टाइप से हम इसे सर्कल बेस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कल है, तो सर्कल बेस में भी मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, जैसे मैंने सर्कल है इसे मैं थोड़ा बीच में लाना चाहता हूँ, मेरे सब कुछ इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सर्कल बेस से भी इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर सर्कल, या फिर आपको यहाँ पे सिंगल रो चाहिए, सिंगल कॉलम चाहिए, तो उसके बेस पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टिंग टूल आ जाता है, यह लेसो टूल। इसमें क्या होता है, फ्री लेंसिंग में इसे सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रीली। जैसे मैंने ये आप देख सकते हैं एक नॉर्मल पेन टाइप टूल है, इसे मैं जितनी चीज मार्क करता हूँ उतनी चीज वहां पे सिलेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये भी एक टाइप का सिलेक्टिंग टूल ही है। अब इसमें सिंपली आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क किया, ये मार्क किया, जैसे नॉर्मल हम पेन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं उस टाइप की मदद से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इतनी चीज है, इतनी चीज है, ये है, एंड यहाँ पे मेरा वो सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे बेसिकली अभी क्या डबल क्लिक हो गया था मेरे से, तो वहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही है। मैं क्लिक किया, इतना पोर्शन अब मेरा सिलेक्ट हो चुका है। तो फ्रीलांसिंग में अगर आपको सिलेक्ट करना हो कि मैं फ्रीली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कि वहां पे मुझे कोई शेप नहीं चाहिए, ना रेक्टेंगल चाहिए, ना कुछ और, तो फ्रीली मैं वहां पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मैजिक सिलेक्शन। ओके, तो मैजिक सिलेक्शन क्या होता है वो मैं आपसे बता देता हूँ। तो बेसिकली मैजिक सिलेक्शन क्या करता है, हमारे जो ऑटोमेटिक एरिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाइट एरिया है, तो व्हाइट एरिया को पूरा सिलेक्ट करना तो मैजिक सिलेक्शन यूज करूंगा। वो क्या करेगा, पूरे व्हाइट एरिया को वहां पे सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए चलिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है लेयर टू नाम से। अब आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ ये फाइल कैसे क्रिएट की, वो भी आपको बताता हूँ। एक सिंपल एक शॉर्टकट है, उसको प्रेस किया, मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने लेयर वन यहाँ पे लगाई है, लेयर वन में लोगो है। ठीक है, लोगो को मैं हटाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ओके, और अगर मैं बैकग्राउंड को हाइड करता हूँ, यहाँ पे जो आई बटन है उससे आप हाइड कर सकते हैं किसी चीज को।
तो यहाँ पे जैसे कि मेरी ये लेयर है, बैकग्राउंड लेयर को मैं हाइड करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो मेरा लोगो है वो PNG फॉर्मेट में है, मतलब उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो मैं जहां पे इसे डालूंगा, अगर मैं इसके पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है उसका मैं कलर चेंज करूंगा, तो मेरे को उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आ जाते हैं पेंट टूल के ऊपर, जैसा हमारा होता है, हमारा नॉर्मल आप देखा होगा पेंट में आपने यूज किया होगा, तो पेंट टूल जैसे आप देख सकते हैं मेरा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लोगो के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोगो मेरा PNG फॉर्मेट में है, मैं सिंपली बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, मेरे लोगो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे कोई भी मैंने बैकग्राउंड रख दिया, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैं अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस ई की प्रेस करता हूँ, तो इनकी एक कंबाइंड लेयर बन जाती है, जो मेरे को डिस्प्ले पे दिख रहा है उसकी एक लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पीछे के सब चीज हाइड कर दूँ, आप देख सकते हैं लेयर 3 मेरा कंप्लीट इमेज है, जो चीज मुझे डेस्कटॉप पे दिख रही है, अलग अलग लेयर में मुझे एक कंबाइंड लेयर बनाना है, तो सिंपली मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई की प्रेस करूंगा, चार बटन एक साथ प्रेस करनी है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई, चारों को मैं एक साथ प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास वही चीज क्रिएट हो जाएगी जो मुझे डिस्प्ले पे दिख रही है, वो भी सिंगल लेयर में, ओके। ये मैंने शॉर्टकट बता दिया है। अब इस चीज को आप यहाँ पे अप्लाई इमेज टूल की मदद से भी कर सकते हैं, ओके। जो मैंने शॉर्टकट बताया वो है अप्लाई इमेज का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, इमेज में आता हूँ, अप्लाई इमेज में दबा दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो सब मर्ज हो जाएंगी सिंगल लेयर में, ओके। तो यहाँ पे मर्ज हो गई, आप देख सकते हैं कि ये रही मेरे लेयर लेयर 4, तो ये भी वही चीज है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ हमने सिलेक्शन टूल सभी देख लिए हैं, एक पेंट टूल देख लिया है। अब बात करते हैं हमारा जो मैजिक सिलेक्शन टूल था वो किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे मेरा ये लेयर सिलेक्ट हो चुकी है, अब जैसा मैंने आपको बताया मैजिक सिलेक्शन टूल सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ब्लैक कलर की लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ब्लैक कलर जहां जहां आप देख सकते हैं कि इसने पूरे में ये ब्लैक पोर्शन है, तो इन सबको उसने सिलेक्ट कर लिया है, ओके, इसी टाइप से। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नॉर्मल पिक्चर से PNG बनाना है, मतलब ये जो येल्लो कलर का हमने बैकग्राउंड लगाया उसे निकाल दूंगा मैं, तो ये ट्रांसपेरेंट पिक्चर बन जाएगी। तो सिंपली मैं उस येल्लो कलर के बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे आप देख सकते हैं इस स्क्वायर ब्लैक स्क्वायर के अंदर येल्लो कलर का बैकग्राउंड है, तो वो सब कुछ सिलेक्ट हो गया सिंगल की मदद से, ओके। तो आपको वहां पे ऐसे फ्रीलांसिंग मार्क कर करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लिक किया सिलेक्ट हो गया, उसके बाद सिंपली मैं डिलीट की प्रेस कर दूंगा, आप देख सकते हैं ये चीज मेरी अब ट्रांसपेरेंट बन चुकी है, ओके। पीछे मेरा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो चुका है, सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे भी करूंगा, ओके। तो बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे पीछे क्लिक किया, सिंपली डिलीट की के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड भी क्लियर हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो चीज पूरा सेफ है, जैसे कि इस येलो कलर को हमारे बी लेटर ने सेव कर लिया है, बी लेटर कहीं से बाहर से गैप नहीं आने दे रहा, तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करके भी डिलीट कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरे को एक एक चीज पर्सनली वहां पे थोड़ी डिलीट करनी पड़ेगी। बट उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि हमारा जो मैजिक सिलेक्शन टूल है वो किस तरह से वर्क करता है, ओके। तो यहाँ पे इस सभी टूल से हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन के अलग अलग टूल हैं, अपने यूजेस के अकॉर्डिंग आप वहां पे वो टूल सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली भी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे सीखना पड़ेगा फोटोशॉप में। पहली क्लास में मैं इतना सब आपको नहीं बताने वाला, नॉर्मल मैं बेसिक बताने वाला हूँ, हमारे कौन कौन से टूल किस तरह से वर्क करते हैं वो बताने वाला हूँ, ताकि आप पहले एक बार टूल के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम डीप में जाएंगे कि फोटोशॉप में आप क्या क्या कर सकते हैं, ओके। उसके बाद चलिए यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है उसे वापस विजिबल कर देते हैं, बैकग्राउंड का जो कलर है उसे हम कर देते हैं वाइट कलर, ओके। तो यहाँ पे वाइट कलर कर देते हैं, देन चलिए सिलेक्शन टूल के बाद यहाँ पे मुझे मिल जाता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल आपको पता ही है, किसी भी चीज को इमेज को क्रॉप करना हो तो वहां से मैं क्रॉप टूल की मदद से क्रॉप कर सकता हूँ, उसके बाद ओके। तो यहाँ पे हो चुका है, रिसाइज अगर मुझे करना हो इसको, अगर मुझे बड़ा करना हो तो मैं यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ, ओके। तो क्रॉप टूल सिर्फ छोटा करने के लिए नहीं, अगर किसी भी इमेज को बड़ा करना हो तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं हमारे फोटोशॉप में। तो यहाँ पे मैंने किया तो बड़ा हो चुका है, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें नॉर्मली वाइट कलर यहाँ पे कर देता हूँ, ओके डन। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड वाइट हो चुका है। अब मैंने ये कैसे किया, तो सिंपली मैंने क्या किया था, डिलीट की प्रेस की थी,
तो कोई भी हमारी जो लेयर लॉक है उसमें मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि जो भी हमारी लॉक लेयर है उसमें हमें कुछ ना कुछ फील करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ भी फील कर सकता हूँ, ये जो भी गिवन ऑप्शन है उसमें से कुछ पे सिलेक्ट करके फील कर सकता हूँ। उसके बारे में इन डिटेल हमारे पूरा जो कंप्लीट कोर्स आएगा उसमें हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो यहाँ पे बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है फोटोशॉप की, वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे पता चल चुका है हमारा क्रॉप किस तरह से काम करता है। उसके बाद आ जाता है फ्रेम टूल। तो फ्रेम टूल इस तरह से वर्क करता है, मैं कोई भी फोटो में यहाँ पे फ्रेम डिसाइड कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी कोई भी इमेजेस है उसको मैं फ्रेम में इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी इमेज है, मैं बाजू में कहीं लेके जाता हूँ तो एक मिनट, ओके यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बाजू में कहीं भी लेके जाता हूँ उस इमेज को, तो बाजू में वो ब्लैंक दिखेगी, इस फ्रेम साइज में ही वो कंप्लीट इमेज शो होगी। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बना दिया है कि कोई भी इमेज मैं यहाँ पे डालूंगा तो इसी फ्रेम में शो होनी चाहिए, अगर वो थोड़ी भी बाहर रहती है तो वहाँ पे इमेज शो नहीं होगी। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ पे फ्रेम का भी आपको पता चल चुका हो फ्रेम किस तरह से वर्क करता है। अब कोई भी लेयर को मुझे डिलीट करना हो तो यहाँ पे मेरे पास डिलीट ऑप्शन आ जाता है, सिंपली मैं उस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ से डिलीट एंड यस। ओके, तो यहाँ पे हम लेयर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाजू में ऑप्शन मिल जाता है न्यू लेयर, कोई नई लेयर मुझे क्रिएट करनी है तो सिंपली वहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद कोई ग्रुप मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड की मदद से, तो यहाँ पे अंडू हो चुका है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कलर पिक टूल। ओके, जिसे हम आई ड्रॉपर टूल भी कह सकते हैं, बेसिकली ये कलर पिक करने के काम आता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है तो कौन सा ग्रीन है, क्योंकि मैं सिंपली ग्रीन में आता हूँ तो इतने सारे मुझे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मैं इधर से पिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप का ये वाला कलर मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो कलर अब सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से मैं सिंपली कलर पिक कर सकता हूँ, ये ब्लैक कलर है, ये हमारा ग्रीन कलर है। ओके, तो जो भी है यहाँ पे आप सिंपली कलर पिकर की मदद से उसे पिक कर सकते हैं, जिसे हम आई ड्रॉपर टूल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है स्पॉट हीलिंग टूल। अब इस टूल के बारे में थोड़ा एडवांस टूल है, नॉर्मली मैं इसका वर्किंग बता देता हूँ किस तरह से वर्क करता है, लेकिन इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे हमारे आगे आने वाली क्लासेस में जो हमारा फुल कोर्स होगा। तो बेसिकली स्पॉट हीलिंग टूल, जैसे कि हाँ एक चीज और, कोई भी टूल के बारे में अगर आपको नहीं पता होता है आप सिंपली उसके ऊपर एरो लेके आते हैं तो फोटोशॉप का यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल होता है उस टूल के बारे में, वो आपको बता देता है कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो स्पॉट हीलिंग टूल है, अगर कोई भी चीज है जो थोड़ी सी मिसमैच हो रही हो फोटोज में, जैसे कि हमारे फेस की बात करें तो फेस पे कोई पिंपल आ जाते हैं पिक्चर में, उस पिंपल को रिमूव करना होता है, तो हम स्पॉट हीलिंग टूल की मदद से उस एक दो पिंपल को वहां पे रिमूव कर सकते हैं। कंप्लीट पूरे फेस पे अगर पिंपल हो या दाग हो तो उसके लिए हम अलग टूल वहां पे यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पॉट हीलिंग की मदद से आप उम्मीद करता हूँ पता चला हो किस तरह से वर्क करता है। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये ब्लैक कलर की लाइन है, बीच में दो यहाँ पे ग्रीन कलर के डॉट हैं, तो सिंपली मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो स्पॉट हीलिंग टूल वहां पे इतनी अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा बहुत छोटा बहुत काम है तो वो हो जाता है, लेकिन कुछ एडवांस लेवल का करना हो तो वहां पे वो इतनी अच्छी तरह से उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है स्पॉट हीलिंग टूल। ठीक है, तो यहाँ पे उसका हम जो फुल कोर्स लाएंगे तब मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे मिल जाता है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल नॉर्मली इसका साइज मैं रिसाइज कर सकता हूँ, जो हमारे ब्रैकेट होते हैं आपके कीबोर्ड में जो कर्ली ब्रैकेट वाला की होगा, तो जो लेस देन वाला ब्रैकेट है उससे हम साइज छोटा कर सकते हैं, ग्रेटर देन वाले ब्रैकेट से हम साइज बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। ब्रश टूल तो नॉर्मली मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से वर्क करता है, लेकिन अब हम इसे वर्क करेंगे न्यू लेयर में। तो यहाँ पे मैंने न्यू लेयर क्रिएट कर दिया, इन दो लेयर को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ये दो लेयर अभी कुछ काम की नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो लेयर है वो है बैकग्राउंड लेयर, सेकंड हमारा लोगो लेयर, एंड थर्ड लेयर अभी हमने क्रिएट किया है जो अभी कम्प्लीटली ब्लैंक है, तो उसी लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ब्रश टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इधर से आप देख सकते हैं ब्रश का जो भी आपका साइज है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, हम जैसे ही देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा कर दिया, तो जिस साइज का अगर आपको करना हो। ओके, वही चीज मैंने आपको जो की बताई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली की से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ये ब्रैकेट वाली की है, इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वो थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद
यहाँ पे आ जाता है हार्डनेस, कितना आपको वो टूल हार्ड रखना है। ओके, एंड ब्रश जो आएगा वो सॉफ्ट रखना है, मतलब बीच में नॉर्मल आएगा, साइड में थोड़े उसके सॉफ्ट, या फिर हार्ड ब्रश आपको रखना है। जो भी ब्रश है यहाँ पे बहुत सारे ब्रश के टाइप आपको ऑलरेडी फोटोशॉप में प्री इंसर्ट मिल जाते हैं, आपको अलग से ब्रश बनाने की या इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे आपको ब्रश देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी हम नॉर्मली सॉफ्ट ब्रश एंड हार्ड ब्रश के बारे में ही जानते हैं। तो यहाँ पे कलर आपको जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समथिंग ऑरेंज कलर जैसा सिलेक्ट कर लेता हूँ, टूल को इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एंड यहाँ पे कैपेसिटी आती है 50%, 70, आप अलग अलग कैपेसिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी 50% सिलेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई चीज एक लाइन खींची है 50% में, कुछ इस तरह से लाइन आएगी। मतलब जो भी ब्रश है उसका 50% पार्ट ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे चलिए मैं 100% इसे कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 100% में कुछ इस तरह से आपको लाइन देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद फ्लो भी अगर मैं 100% कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसका कुछ डार्कनेस आप देख सकते हैं कि कितना वहाँ पे डार्क हो रहा है। उसका फ्लो भी 100 आ रहा है, उसकी कैपेसिटी भी 100 हो रही है। अब फ्लो क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, फील क्या होती है, अच्छी तरह से इन डिटेल हमारे फुल कोर्स में जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये ब्रश टूल का आपको पता चल गया हो कि ब्रश टूल किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है मेरा सॉफ्ट ब्रश। ओके, तो सॉफ्ट ब्रश में आप इसके एजेस देखेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़े से सॉफ्ट एजेस हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे हार्ड ब्रश सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सिंपली मैं एक लाइन खींचूंगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये हार्ड ब्रश मेरा है एंड सॉफ्ट ब्रश है। आप देखने ही डिफरेंट पता कर सकते हैं कि सॉफ्ट ब्रश के जो एजेस रहते हैं वो साइड में सॉफ्ट होते हैं, जो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, एंड हार्ड ब्रश के एजेस हार्ड रहते हैं। ओके, तो बेसिक दोनों अपनी अपनी जगह यूजफुल रहते हैं। ओके, तो सिंपली मैं अपना लोगो जो है उसे हाइड कर देता हूँ। ये हमारा लोगो हाइड हो गया पूरे में, हमने ये कलर फील कर दिया है। ठीक है, अब हमने सिंपली ये कलर फील कर दिया है। अब आप देख सकते हैं लेयर 4 में मैंने कलर फील किया था, यह है मेरी लेयर 2। ओके, तो लेयर 4 को मैं हाइड कर सकता हूँ, अनहाइड कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ, अनहाइड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरी एक अलग लेयर में है, मैंने इस वाली इमेज को कुछ छेड़ा भी नहीं है। ओके, तो अगर मैं चाहूँ तो लेयर 1 को उठा के लेयर 4 के ऊपर रख सकता हूँ। ओके, तो जो मेरी इमेज है, जो मेरा लोगो है, मैं उसे जो भी मैंने बैकग्राउंड बनाया उसके ऊपर भी रखना चाहूँ ऊपर भी रख सकता हूँ, उसके मैं नीचे रखना चाहूँ नीचे भी रख सकता हूँ। मेरी मर्जी है, मैं जहाँ उसे प्लेस करना चाहूँ वहाँ कर सकता हूँ। ये फोटोशॉप का मेन एडवांटेज होता है कि आप लेयर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं किसी और सॉफ्टवेयर में से डिजाइन करता, तो यहाँ पे जो मेरा लोगो है मैंने एक बार उसके ऊपर ये कलर कर दिया। ओके, तो उसके बाद कोई मेरे पास चारा नहीं था उस लोगो को वापस लाने का, अंडू 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 करता जाऊं जब तक वो वापस ना आए। लेकिन यहाँ पे फोटोशॉप में सिंपली मैं एक अलग लेयर में वो सब कुछ काम कर सकता हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये ब्रश टूल का आपको पता चल चुका है। कुछ टूल यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, जैसे ये हिस्ट्री ब्रश है इसे हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे जो क्लोन सैंपल है इसे हम ड्रॉप करेंगे। आप बेसिकली इसका जो डेमो है वो देख सकते हैं कि क्लोन एक ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाता है, कि किस तरह से वहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट वहाँ पे हो सकते हैं। ओके, एंड जो हमारा हिस्ट्री ब्रश है वो प्रीवियस इमेज को देख लेता है कि वहाँ पे कुछ पार्ट को हाइड करना हो कि अर्लियली वो कैसा पार्ट था, उस टाइप से उसे कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे क्लोन में किसी भी चीज का क्लोन बनाना, जैसे यहाँ पे आप फ्लावर का एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमारा एक फ्लावर पॉट है, उसमें थोड़े कम फ्लावर हैं, ज्यादा करना है तो वहाँ पे हम ज्यादा कर सकते हैं, बेसिक क्लोन में वो काम आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन टूल को हम बाद में देखेंगे, थोड़े एडवांस टूल हैं तो इतनी आसानी से मैं समझाऊंगा उतने आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसे हम बाद में देखेंगे। तो सिंपली मैं अब हमारा आ जाता है यहाँ पे इरेजर टूल। तो इरेजर टूल नॉर्मली आपको पता ही है किस तरह से वर्क करता है, साइज को मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। मेरे लेयर 4 में जो मैंने कलर किया था उसे मैंने इरेज कर दिया हमारे इरेजर टूल की मदद से। ये मेरे पास आ जाता है पेंट टूल, पेंट बकेट टूल जिसे आप कह सकते हैं। जो भी आपको कलर करना हो सिंपली आप इसे कलर कर सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ, चाहे मुझे कोई भी कलर यहाँ पे करना हो, कलर सिलेक्ट किया मैं सिंपली कलर कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ब्लर टूल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मुझे ब्लर करना हो तो सिंपली मैं इस टूल की मदद से ब्लर कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो लोगो है इसे मुझे ब्लर करना है, तो सिंपली मैं थोड़ा सा लोगो के ऊपर ऐसे घुमाऊंगा इस टूल को, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह मेरा लोगो ब्लर होना शुरू हो चुका है। ओके, तो
तो इसमें क्या होता है माउस का कि एक दो बार आप छोड़ के प्रेस करेंगे तो वापस से वो चीज परफॉर्म होने लगी। अब देख सकते हैं मेरा लोगो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो चुका है मेरा ब्लर टूल की मदद से। सिंपली चलिए मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ, वापस हम मेन हमारे लोगो के ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डॉक्स टूल। अब ये बेसिकली मदद करता है किसी भी चीज को नॉर्मली ब्राइट करना हो तो उसमें ये काम आ जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है, मैं इसे थोड़ा सा ब्राइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइट हो रहा है। ओके, ब्राइट होते होते अगर मैं ज्यादा इसे ब्राइट करना चाहूंगा तो वो मिट जाएगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा मैं जितना ज्यादा इसे ब्राइट करूंगा उतना ज्यादा वो बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड मेरा व्हाइट कलर का है। ओके, तो किसी भी चीज को थोड़ा ब्राइट करना हो, ब्राइटर इफेक्ट डालना हो, मिनिमम ब्राइटर इफेक्ट, तो यहाँ पे आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आ जाता है पेन टूल। तो पेन टूल नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को मार्क करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कोई भी चीज मुझे मार्क करनी है, कोई भी डिजाइन मुझे यहाँ पे बनानी है, तो मैं पेन टूल की मदद से उस डिजाइन को क्रिएट कर सकता हूँ। कोई भी कस्टम शेप मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है पेन टूल का, कि पेन टूल की मदद से मैं अपना कोई भी कस्टम शेप यहाँ पे बना सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे चलिए शेप को हम कर देते हैं डिलीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू लेयर में वो शेप बन चुका है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। यस, उसके बाद नीचे आ जाता है टेक्स्ट ऑप्शन। तो टेक्स्ट ऑप्शन का आप सबको पता ही है कि टेक्स्ट ऑप्शन किस तरह से यूज होता है। सिंपली टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ कि मुझे इतने बॉक्स में ही टेक्स्ट टाइप करना है तो इतने बॉक्स में मैं टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। जो भी मुझे टेक्स्ट टाइप करना है मैं इस बॉक्स में टेक्स्ट वो टाइप कर सकता हूँ। जो भी मुझे लिखना हो, यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना हो फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, उसका स्टाइल चेंज करना हो उसका, यहाँ पे मुझे साइज चेंज करना हो, तो सब कुछ मैं यहाँ पे इजी स्टेप में कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए इसे हम कर देते हैं क्लोज। ये तो मैंने बोला कि आप बॉक्स करके भी कर सकते हैं, अगर आप सिंपली क्लिक भी करेंगे तो भी आप यहाँ पे वो पॉइंट लिख सकते हैं। साइज थोड़ा सा बड़ा है, साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, तो साइज छोटा कर दिया, यहाँ पे मेरा आ चुका है पॉइंट लिखने के लिए। तो मैं कुछ भी यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैम्पल फाइल्स। ओके, तो सैम्पल फाइल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एक एंटर कर दिया। थोड़ा सा मैं इसे एग्जस्ट करना चाहूँ वहाँ पे इसे एग्जस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इसमें भी कुछ इस तरह से ही वर्क होता है, जैसे मैं लोगों के ऊपर रख देता हूँ। उसके बाद इस फाइल को मैं नीचे रखना चाह रहा हूँ कि नहीं मेरे को ये टेक्स्ट लोगों के नीचे रखना है, तो यहाँ पे वो लोगों के नीचे टेक्स्ट आ जाएगा। तो जिस तरह से मैं उसे रखना चाहूँ उस तरह से मैं इसे रख सकता हूँ। मूव टूल की मदद से वापस से हम इसे टॉप पिक कर देते हैं। ओके, तो टेक्स्ट इस तरह से वर्क करता है। देन हमारे पास आ जाता है शेप क्रिएटर। तो यहाँ पे मैं कुछ सर्कल टाइप शेप क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसे क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्लू कलर जैसा हो चुका है फील, तो उसे ब्लू कलर को फील करना है। अगर फील मैं कोई और कलर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन कलर करना चाहता हूँ, एंड इसके जो स्ट्रोक है मतलब इसका जो बॉर्डर है उसे मैं ब्लैक कलर का करना चाहता हूँ, कितने पिक्सल का रखना चाहता हूँ बॉर्डर को, तो मैं यहाँ पे 15 पिक्सल का बॉर्डर रखना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं 15 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। तो ऊपर भी मुझे वही सब सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, एंड उसी टाइप से यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी वही सब सेटिंग मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा शेप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे और भी शेप के ऑप्शन मिल जाते हैं इसी टाइप से। आप देख सकते हैं आपको राउंडेड स्क्वायर का शेप मिल जाता है, मतलब उसके जो एजेस हैं वो थोड़े राउंड हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एजेस यहाँ पे आपको राउंड देखने के लिए मिल जाएंगे। कलर अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो नॉर्मल रेक्टेंगल भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ जिसके एकदम शार्प एजेस हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग शेप आप देख सकते हैं, कस्टम शेप का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। देन आ जाता है हमारे यहाँ पे हाथ का टूल बना हुआ है जिसका नाम ही हैंड टूल है। ओके, तो बेसिकली हैंड टूल फाइल को मूव करने के ही काम आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जूम कर लिया, फाइल को मुझे मूव करना है तो मैं हैंड टूल की मदद से ही इसे मूव कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे मूव करना है तो सिंपली मैं हैंड टूल की मदद से, फाइल मेरी जूम हो चुकी है, मूव करना है तो हैंड टूल। ओके, अगर फाइल छोटी होगी, हमने पूरे फ्रेम में हमारी फाइल आ रही है, तो वो हैंड टूल आपका अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है जूम टूल। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है तो डेफिनेटली जूम टूल ही होगा। तो यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, प्लस को सिलेक्ट करके आप जूम इन कर सकते हैं। किसी भी पोर्शन के ऊपर जूम करना है तो सिंपली उसको ड्रैग करके यहाँ पे आप उस पोर्शन के ऊपर भी जूम कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद डायरेक्टली 100% जूम कर दीजिए कि जो भी फाइल है वो 100% जूम हो जाए, उसका जो परफेक्ट रेशियो है 1:1 का वो जूम हो जाए। फिट स्क्रीन का मतलब है हमारी जो स्क्रीन है उसमें फिट हो जाए। फिल स्क्रीन का मतलब है कि हमारे जो ये वाली स्क्रीन है इसके अंदर वो फील हो जाए। ओके,
फिट स्क्रीन नॉर्मली हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो भी ओवरऑल फाइनल प्रोजेक्ट है वो दिखने में कैसा लग रहा है वो दिखे, एंड फिट स्क्रीन में हमारा जो ये वाली स्क्रीन है इसके अंदर वो फिट हो जाता है डन। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा बेसिक फोटोशॉप, जिसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि कौन से टूल किस तरह से वर्क करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, जितने भी मैंने टूल बताए हैं ये ओवरऑल जो बेसिक टूल है वो आपको बताए हैं। जैसे मूव टूल के अंदर भी यहाँ पे दो तरह के टूल आते हैं, सिलेक्शन में भी इतने टाइप के सिलेक्शन आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिलेक्शन बताया, इसमें भी अलग अलग टाइप के हैं। ये मैजिक सिलेक्शन बताया, इसमें क्विक सिलेक्शन भी मिल जाता है आपको। क्रॉप बताया, तो क्रॉप में भी अलग अलग टाइप के यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आई ड्रॉपर टूल बताया, तो इसमें भी अलग अलग आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं टूल। तो जो बेसिक टूल हैं वो मैंने आपको समझाए हैं, लेकिन उनके जो एडवांस टूल हैं वो अभी आपको मैंने नहीं समझाए हैं, जो हम कंप्लीट कोर्स में आपको बताने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज के अंदर, जिस भी साइड में आप ये छोटा सा एक आइकॉन देख रहे होंगे, जिस भी वहाँ पे टूल के साथ में ये आइकॉन बना है उसके बहुत सारे टूल वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इनफैक्ट इरेजर में भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। फोटोशॉप एक ऐसी चीज है जो इरेजर तक में आपको ऑप्शन देती है कि इरेजर में भी आप कुछ अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पेंट है तो पेंट में भी आप ये कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे टूल हैं, जैसे कि ब्लर है, तो ब्लर की जगह आपको कोई भी चीज शार्प करनी हो, स्मूथ करनी हो, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं हर टूल में। इनफैक्ट यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल है उसमें भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन टूल में भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे शेप में तो आपको बता ही दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो आपका हैंड टूल है, हैंड टूल में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा बेसिक है फोटोशॉप का वो समझ में आया हो, किस तरह से काम करते हैं सब कुछ। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फाइल का नाम है, फाइल के नाम के आगे स्टार बना हुआ आ रहा है, मतलब हमने फाइल सेव नहीं की है। सिंपली मैं सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार गायब हो चुका है। ओके, और वही मैं कुछ यहाँ पे चेंज करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा इधर ला देता हूँ, तो आप वापिस देख सकते हैं यहाँ पे स्टार आ जाएगा कि मैंने अब यहाँ पे फाइल में चेंजेस किया है, लेकिन चेंजेस करने के बाद उस फाइल को मैंने सेव नहीं किया है। तो सिंपली मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेसिक मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि फोटोशॉप में बेसिक किस तरह से आप नॉर्मली काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एडजस्टमेंट में बहुत सारे टूल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेयर मैंने बता दिया है, एक एक लेयर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट की लेयर थी, ये रेक्टेंगल लेयर थी, ये राउंडेड रेक्टेंगल लेयर थी, ये हमारी सर्कल की लेयर, इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ। ये मेरा लोगो, ये मेरा बैकग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग लेयर में किस तरह वर्क करते हैं। ओके, अब नीचे बहुत सारे टूल और भी पेंडिंग है, उनके बारे में नहीं बताया। एडजस्टमेंट में बहुत सारे मेरे पास टूल पेंडिंग है, उनके बारे में नहीं बताया। ये सब कुछ हम कंप्लीट कोर्स में सीखने वाले हैं। ये एक बस बेसिक फोटोशॉप की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से फोटोशॉप आप फर्स्ट टाइम ओपन कर सकते हैं, किस तरह से फोटोशॉप में आप वर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको मजा आया हो, एंड इसका जो फुल कोर्स है उसे आप देखिए, डेफिनेटली आपको उसमें मजा आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं एडीसीए की हमारी अगली क्लास में।